हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम क्लाइमोग्राफ के बारे में कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं। क्लाइमोग्राफ यानी वो ग्राफ जिसके ऊपर हम जलवायु संबंधी तत्वों का चित्रण कर सकें, जलवायु संबंधी तत्वों को प्रदर्शित कर सकें, इसे हम क्लाइमोग्राफ कहते हैं। हम मौसम जलवायु में पढ़ रहे हैं कि तापमान, वर्षा, पवने, आर्द्रता, ये सब जलवायु के तत्व हैं। और जब भी कभी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी भी स्थान पर पर्यटन के लिए या रोजगार के लिए, किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, आपके मन में एक मूल प्रश्न आता है कि वहाँ का मौसम कैसा होगा, मैं कैसे कपड़े अपने साथ लेकर जाऊँ, मैं क्या क्या अपने साथ लेकर जाऊँ, वहाँ की जलवायु, वहाँ का मौसम कैसा होगा। देश विदेश में जब भी आप कभी यात्रा करने जाते हैं, किसी भी कार्य संबंधी जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। क्लाइमोग्राफ इसको हम कहते हैं। क्लाइमोग्राफ किसे कहते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे समझते हैं, आइए इन सब बातों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लाइमोग्राफ क्या है। हमारे अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग जलवायु के तत्वों को ग्राफ पर प्रदर्शित करके हमें क्लाइमोग्राफ के बारे में बताया, लेकिन मोंकहाउस महोदय और विल्किंसन महोदय अपनी पुस्तक के अंदर लिखते हैं, अपनी बुक के अंदर लिखते हैं दैट क्लाइमोग्राफ इज ए डायग्राम, एक चित्र है जिसके अंदर जलवायु संबंधी आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। और उस प्रदर्शित करने की विशेषता क्या है, अलग अलग दो आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे, शेप एंड पोजीशन, उसकी आकृति कैसी है और उस ग्राफ के अंदर उसकी पोजीशन कैसी है, उससे हम उस स्थान की जलवायु का अंदाजा लगा सकते हैं, जलवायु के बारे में पढ़ सकते हैं। हम अगर इस क्लाइमोग्राफ के इतिहास में देखें तो आप क्या पाएंगे कि हमारे यहाँ बॉल महोदय ने 1910 में, लेली महोदय ने 1926 में, कोपेन महोदय, फोस्टर महोदय, हंटिंगटन महोदय व रेजेस महोदय ने अलग अलग आंकड़ों को लेकर जलवायु के आंकड़ों को प्रदर्शित किया और हमें क्लाइमोग्राफ दी। लेकिन सबसे अधिक चर्चित, सबसे अधिक उपयोगी क्लाइमोग्राफ जो हम पढ़ना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने 1949 के अंदर हमें वो ग्राफ दिया। और उस ग्राफ का मूल उद्देश्य क्या था कि ऐसी कौन सी जलवायु है, किस स्थान पर ऐसी जलवायु है जहां पर हम मनुष्य आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और ऐसा कौन सा समय, ऐसे कौन से महीने हैं जिनमें मनुष्य संबंधी जलवायु उपयुक्त पाई जाती है, अच्छी जलवायु पाई जाती है। क्या किया ग्रिफिथ टेलर महोदय ने, उन्होंने दो अलग अलग जलवायु संबंधी आंकड़ों को, पहला आंकड़ा उन्होंने लिया वेट बल्ब टेम्परेचर और दूसरा आंकड़ा उन्होंने लिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मीन मंथली वेट बल्ब टेम्परेचर एंड मीन मंथली रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन दो आंकड़ों को आपस में जोड़कर, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़कर एक ग्राफ बनाया जिसको क्लाइमोग्राफ कहते हैं। इसे हम बार डायग्राम से दिखा सकते हैं, इसे हम लाइन बार से दिखा सकते हैं, लेकिन जो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने बनाया वो एक नई तरह का ग्राफ था। दैट वाज ए 12 साइडेड फिगर, एक 12 भुजाओं वाली एक ऐसी फिगर थी जिसे हम पॉलीगन या बहुभुजी, ऐसी एक आकृति के नाम से जानते हैं और जिसको क्लाइमोग्राफ कहा गया, जिससे दो चीज़ें हमें पता लगती थी। पहले हमें स्थान की पता लगती थी कि कौन सा स्थान मनुष्य के लिए उपयुक्त है जलवायु से जुड़ा हुआ, और दूसरा उस स्थान के ऊपर
किन महीनों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये हमें ग्रिफिथ टेलर महोदय के क्लाइमोग्राफ से पता चलता है। आइए देखें कि हम इस क्लाइमोग्राफ को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले ये हाइग्रोमीटर है, अलग अलग वेट बल्ब टेम्परेचर हम पढ़ चुके हैं कि जब हम सापेक्षिक आर्द्रता निकालते हैं तो वेट बल्ब टेम्परेचर निकालते हैं, ये ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर कहा जाता है। ये आम थर्मोमीटर जो हम प्रयोग करते हैं उसी में से एक थर्मामीटर को एक कपड़े के साथ एक पॉट के अंदर, इंक पॉट जैसी छोटी बॉटल के अंदर डाल दिया जाता है। इस बल्ब का तापमान ड्राई बल्ब के तापमान से कम रहता है क्योंकि ये गीले कपड़े के साथ लिपटा हुआ है, इसको हम वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। इवेपोरेशन क्रिया के कारण इसका तापमान हमेशा कम रहता है, लेकिन अब तकनीकी ज्ञान और नई नई हमारे पास फैसिलिटीज आने के कारण हमारे पास कंप्यूटराइज्ड डिजिटल ऐसे ऐसे मीटर्स आ गए हैं जिससे हम डायरेक्ट रूप से, ये देखिए दिस इज हाइग्रोमीटर, डायरेक्टली आप सापेक्षिक आर्द्रता निकाल सकते हैं। ये एक क्लॉक हमारे घरों में आमतौर पर मिल जाती है जिसके अंदर तापमान भी मिल जाता है और जिसके अंदर हमें सापेक्षिक आर्द्रता भी देखने को मिल जाती है। आइए इस दो आंकड़ों के आधार पर वेट बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब के साथ साथ हमारे पास सापेक्षिक आर्द्रता, इन दोनों आंकड़ों के बल पर हम क्लाइमोग्राफ ड्रॉ इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से हम एक क्लाइमोग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास करनाल के दो डेटाज हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने सापेक्षिक आर्द्रता जिसको हमने 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से अलग अलग प्रदर्शित किया, यानी कि 20 से 100 तक, और वाई एक्सिस के ऊपर टेलर महोदय ने टेम्परेचर को -20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक अलग अलग तरह से ड्रॉ करने की कोशिश की है। सबसे पहले देखिए जनवरी में सापेक्षिक आर्द्रता 68%, ये सापेक्षिक आर्द्रता 68% और तापमान 10.4%, इस तरह से हमने इसके ऊपर एक डॉट लगाकर जनवरी लिख दिया। फरवरी सापेक्षिक आर्द्रता 56%, तापमान 11.9%, आपने एक्स एक्सिस के ऊपर नाप ली सापेक्षिक आर्द्रता और वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर, दोनों को आपस में जहां भी इनका मिलन होता है वहां आपने डॉट लगा दी एक्स और वाई को जोड़कर, और इसी तरह से मार्च के महीने के लिए यानी 12 महीनों के लिए मासिक मध्यमान वेट बल्ब टेम्परेचर और मासिक मध्यमान सापेक्षिक आर्द्रता के लिए इस तरह से हमने डॉट्स लगा ली और उनके नीचे अपनी जानकारी के लिए, समझ के लिए हमने जनवरी फरवरी अलग अलग महीनों के नाम भी इसके अंदर हमने लिख लिए। ये क्लाइमोग्राफ ड्रॉ करने का पहला स्टेप है जिसको हम बोलते हैं प्लॉटिंग क्लाइमोग्राफ, एक किसी भी स्थान के ग्राफ के लिए इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हमारे पास 12 अलग अलग महीनों के हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स आ जाते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम जनवरी को फरवरी के साथ, फरवरी को मार्च के साथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस तरह से इनको हम आपस में जोड़ देते हैं, हमारे पास एक 12 साइडेड फिगर आ जाती है, एक पॉलीगन बन जाता है जिसको ग्रिफिथ टेलर महोदय ने क्लाइमोग्राफ का नाम दिया, इसको उसने क्लाइमोग्राफ कहा। और ये क्लाइमोग्राफ हमारे पास इस तरह से एक फिगर हमारे पास आ जाती है जो साफ स्पष्ट आपको नजर आ रही है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इस ग्राफ के चार कॉर्नर में स्कॉर्चिंग, मगी, रॉ और कीन, चार अलग अलग नाम दे दिए
जलवायु संबंधी हमें समझाने के लिए, बताने के लिए कि कब एक स्थान पर कब कैसी जलवायु होगी, ये सब हम इस ग्राफ से पढ़ सकते हैं। आगे आगे हम इस सब चीज़ों के बारे में समझते हैं और जानते हैं। क्या आधार था ग्रिफिथ टेलर महोदय का यूरोपियन लोगों के लिए 1900, जब हमारी सदी चल रही थी 1900 से लेकर 1950 तक औद्योगिक क्रांति चल रही थी, औद्योगिक क्रांति के लिए अपना माल बेचने के लिए बाजार चाहिए था यूरोपियन लोगों को और कच्चा माल चाहिए था, इसलिए वो दूसरे देशों में, भारत जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जा रहे थे और अपना शासन फैला रहे थे। लेकिन इंग्लिश पीपल को अपने रंग, अपनी सेहत की बहुत चिंता थी, इस सेहत और अपने रंग को बचाने के लिए वो कहीं भी जाने से पहले क्लाइमोग्राफ बना लेते थे। ये क्लाइमोग्राफ बनाने के बाद वो पूरे वर्ष के बारे में अपनी प्लानिंग कर लेते थे, अपना कार्य अच्छी तरह से कर लेते थे। देखिए, तापमान के बारे में ग्रिफिथ टेलर महोदय ने क्या कहा कि 7.3 से 12 तापमान ये यूरोपियन लोगों के अनुसार आइडियल टेम्परेचर है। इस ग्राफ के ऊपर मैंने ये इस तरह से प्लॉट किया है। इससे कम 4.4 से 7.2 वेरी रेयरली अनकंफर्टेबल, 12.8 से 15.5 वेरी रेयरली अनकंफर्टेबल, लेकिन इसके बाद सम टाइम अनकंफर्टेबल, ऑफन अनकंफर्टेबल एंड यूजुअली अनकंफर्टेबल। कौन सा तापमान उनके लिए उपयुक्त है यूरोपियन पीपल के लिए, दिस वन इज 7.3 टू 12.8 टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर ये उनके लिए सबसे उपयुक्त था। हम उपोषण कटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ये अलग है, लेकिन उस समय टेलर महोदय के अनुसार यूरोपियन लोगों के लिए ये अलग तापमान था। आइए, हम सब के लिए कौन सा तापमान उपयुक्त रहता है? अगर आप अपने फ़ोन पर विभिन्न ऐप चलाते हैं, जलवायु संबंधी, मौसम संबंधी भविष्यवाणी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक तापमान के साथ एक टर्म लिखी होती है, रियल फील टेम्परेचर, यानी वायुमंडल का तापमान कितना है और आपको कितना महसूस हो रहा है, फेल्ट, आपको कितना वो तापमान लग रहा है, इसको हम फेल्ट एयर टेम्परेचर और परसीव्ड इक्विवेलेंट टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि एयर टेम्परेचर कितना है, क्लाउड कवर कितना है, उसके साथ ह्यूमिडिटी कितनी है, हवा कितनी गति से चल रही है। जैसे बारिश के दिनों में जब भी कभी आकाश में बादल छा जाते हैं, नमी की मात्रा बढ़ जाती है, तापमान तो कम होता है लेकिन आपको गर्मी बहुत लगती है, आपके इस शरीर से निकलने वाला पसीना सूख नहीं पाता है और उससे तापमान, आपको बहुत गर्मी लगती है, तापमान बढ़ा हुआ नज़र आता है, इसको हम हीट इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आपको यहाँ टेम्परेचर और यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने प्रदर्शित की है इस ग्राफ के अंदर, नज़र आ रही है, ये ग्रीन कंफर्टेबल जोन है, येलो वार्निंग जोन है और रेड में गर्मी बढ़ती चली जा रही है, यानी कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी कम हो रही है लेकिन तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी कम है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल जोन है, यानी बढ़ी हुई आर्द्रता आपको अधिक तंग करती है, अधिक आपको गर्मी महसूस कराती है, जिसको हम फेल्ट एयर टेम्परेचर या रियल फील टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। इसी कंसेप्ट को ग्रिफिथ टेलर महोदय ने वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेकर अपने ग्राफ में जोड़ा और किसी भी स्थान की जलवायु संबंधी क्लाइमोग्राफ बनाकर हमें ये बताया। अब हम सब के लिए उपयुक्त टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 18 डिग्री से
24 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान हम सब के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर या बहुत ठंड भी नहीं बहुत गर्म भी नहीं बीच का तापमान। हमारा औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसका लगभग आधा 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमारी सेहत के अनुसार अच्छा रहता है, उपयुक्त रहता है, ऑप्टिमम रहता है। ये WHO ने हमें बताया कि किस तरह से ये टेम्परेचर। अब हमारे ग्राफ के ऊपर ग्रिफिथ टेलर महोदय ने क्या लिखा, स्कोर्चिंग रॉ मगी की। उन्होंने चार अलग अलग कॉर्नर्स के अंदर चार अलग अलग कंसेप्ट लिखी। स्कॉर्चिंग का मतलब है जब तापमान अधिक और सापेक्षिक आर्द्रता कम, यानी कि शुष्क मौसम, झुलसा देने वाला मौसम। हमारे यहाँ अप्रैल मई के महीने में जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, जब धूप बहुत तेज आपको लगती है, आपका बार बार पानी पीने को मन करता है, डेजर्ट कूलर, पेड़ों की छांव आपको अच्छी लगती है, स्कॉर्चिंग कहा जाता है। जोधपुर, जैसलमेर, पंजाब, हरियाणा के मैदानों में ज्येष्ठ माह की दोपहरी के अंदर हमें स्कॉर्चिंग जलवायु मिल जाती है, झुलसा देने वाली जलवायु मिल जाती है जब लू चलती है। दूसरा हमारे पास है मगी क्लाइमेट, चिपचिपाहट वाला मौसम, तापमान अधिक और सापेक्षिक आर्द्रता भी अधिक। जब आपके शरीर से पसीना सूखता नहीं है तो आपका तापमान बढ़ा रहता है, इसको मगी क्लाइमेट कह देते हैं। जब आप पंखे से दूर हटते ही आपके शरीर से पसीने निकलने लगते हैं, आपके हाथ में पंखा, हर समय ऐसा लगता है कि पंखा चलना चाहिए। जब झूला या साइकिल की सवारी आपको अच्छी लगती है तो मगी क्लाइमेट उसको हम कह देते हैं। देन वी हैव कीन क्लाइमेट। कीन क्लाइमेट का मतलब है शुष्क और ठंडा, यानी ठंडे मरुस्थलों वाला, लेह लद्दाख जैसा, तापमान कम और आर्द्रता भी कम, आपको शरीर शुष्क जलवायु और ठंडी जलवायु, जब आपके होंठ फटने लगे, आपके गाल और आपके शरीर के अंदर पानी की कमी होने लगे, लेकिन मौसम ठंडा है वहाँ पर, लेह लद्दाख जैसा क्लाइमेट, इसको हम कीन कह देते हैं। एंड देन वी हैव रॉ क्लाइमेट, मतलब ठंड भी और वर्षा भी, तापमान कम और आर्द्रता अधिक। जब सर्दी के अंदर वर्षा हो, समझिए रॉ क्लाइमेट इसको हम कह देते हैं। तो अलग अलग चार कॉर्नर्स में अलग अलग चार शब्द ये ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिए, और मैं आपको अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करके अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए ये सारी बातें क्लियर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्लाइमोग्राफ ऑफ जोधपुर, आप सब समझते हैं राजस्थान, जोधपुर जैसलमेर पश्चिम दिशा में दिल्ली से जाते हुए देखिए, ये सारा का सारा ग्राफ आप देखिए कि इस स्कॉर्चिंग की तरफ फरवरी, जनवरी, फरवरी सब के सब महीने इस स्कॉर्चिंग की तरफ जा रहे हैं। ये झुलसा देने वाला, तेज गर्मी वाला शुष्क मौसम कहा जाता है जो जोधपुर के अंदर देखने को मिलता है। सिर्फ जुलाई अगस्त में जब कभी मानसून पहुंचता है तो आप उससे बाहर निकल आते हैं, उस स्कॉर्चिंग से बाहर निकल कर आ जाते हैं। देन वी हैव दिस वन इज मुंबई। आप सब ने सुना है मुंबई, जिसे आप कहते हो कि जहां जलवायु सम रहती है, एक सा तापमान सारे साल रहता है, लेकिन समुद्र के किनारे है तो देखिए मगी क्लाइमेट, चिपचिपाहट वाला मौसम। आप देखिए कि अधिक महीने मगी की तरफ, तापमान अधिक और सापेक्षिक आर्द्रता भी अधिक है। सारा का सारा ग्राफ में आप ढूंढेंगे इट्स टुवर्ड मगी, यानी आपको समुद्री जलवायु ट्रॉपिक्स के अंदर उपोषण कटिबंध में तटवर्ती क्षेत्रों में हमें ऐसी मगी जलवायु देखने को मिलती है, जो उसका एक एग्जाम्पल मुंबई, चेन्नई या कलकत्ता टाइप क्लाइमेट हो सकते हैं। ये कोलकाता, कलकत्ता जिसे हम आम
तरह भाषा में बोलते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा समुद्र से अंदर की तरफ फैला हुआ है, तो तापमान महाद्वीपीय भी है और मगी प्रकार का भी है, ऐसा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। दोनों के अंदर फर्क भी हम आसानी से समझ सकते हैं। अब ग्रिफिथ टेलर महोदय कहते हैं कि क्लाइमोग्राफ की शेप किस प्रकार की है और उसकी ग्राफ के अंदर पोजीशन किस प्रकार की है। अगर हम उसको समझ लें तो आप बता सकते हो कि वहां की जलवायु किस प्रकार की है। स्पिंडल शेप, ड्राई कॉन्टिनेंटल, स्कॉर्चिंग की तरफ होगा, मरुस्थलीय जलवायु जैसा होगा स्पिंडल शेप। वो इस तरह से लेफ्ट साइड की तरफ ग्राफ की तरफ आपको पाया जाए। डायगोनल शेप, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, अगर इस तरह से क्लाइमोग्राफ फैला है तो इसको बोलते हैं मॉनसून टाइप। और डायगोनल शेप हो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, मेडिटेरेनियन टाइप, भूमध्य सागरीय, जहां वर्षा शीत ऋतु के अंदर होती है। और अगर पूरी तरह से ग्राफ के बीचों बीच फैला हुआ क्लाइमोग्राफ है उसको हम ब्रिटिश टाइप, क्लाइमेट टाइप, ऐसा शब्द उसके लिए हम यूज कर देते हैं। और सबसे अच्छा क्लाइमेट, जहां आप सब जानते हैं धरती का स्वर्ग, हमारा श्रीनगर, देखिए ना स्कोर्चिंग है, ना मगी है, ना कीन है, कुछ महीने रॉ की तरफ हैं। फरवरी जनवरी में जब बर्फ़ गिरती है तो ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। सबसे अच्छी जलवायु वाला जो आपको अच्छी लगती है, इसीलिए पर्यटन के लिए श्रीनगर लोग प्रेफर करते हैं, इस जलवायु के कारण प्रेफर किया जाता है। और इसका ग्राफ आप देखिए बिल्कुल सेंटर में, केंद्र में फैला हुआ है। सर्दियों में बर्फबारी के कारण ये रॉ की तरफ इस कॉर्नर के अंदर धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच। क्लाइमोग्राफ किस तरह एक हिदर ग्राफ भी है, जिसको हम अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।